Hi people, how are you all doing? I hope you all are doing well. And excuse me for this extra light effects. I don't know. I have my lamp on just right on my face because bahar thoda andhera ho raha hai, so I want the video to be nice, so I've just put some lights. So it's coming all on my face. So excuse me for that. And aaj ka jo topic hai, I think I've started making actually quite interesting topics nowadays. And subscribers bhi acche ho rahe hain, and the videos are going very fine. And thank you so much for that. And thumbs up for all of us, yeah? Because this is not only my channel, it's our channel basically together, yeah? So, coming to the topic of basically, aaj ka bhi topic is not controversial, but kind of, yeah? हमारे जो सोसाइटी है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, लाइक दीज काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आई वुडन से पीपल आर नॉट एजुकेटेड, पीपल आर एजुकेटेड, लेकिन वहाँ पे शायद कुछ एक चीज़ें हमें हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इतनी शायद इजीली नहीं समझाई जाती या हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है. तो मेरा दिल किया कि उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए. सो वी आर गोना टॉक अबाउट दिस. कैन यू मेक आउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? वी गोना टॉक अबाउट हैंड जेस्चर्स. हम सब की इंडिया में आदत है किसी ना किसी तरीके से हम हाथों से बात करते हैं. तो आज हम अपने कुछ हाथों की जो लैंग्वेज है उसके बारे में जितनी नॉलेज मुझे है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी. आई एम नॉट परफेक्ट, और पूरी दुनिया में तो बहुत सारे हैंड जेस्चर्स हैं मुझे, लेकिन जितने पता है मैं उतने आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो सबसे पहले हमारा एक आपस में अग्रीमेंट है, चाहे आप मम्मी हो, पापा हो, दादी हो, नानी हो, कोई भी जो मेरी वीडियो देख रहा है. आई बिलीव इन वेरी ओपन कम्युनिकेशन. जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट. या दैट्स माई फैमिली, दे आर जस्ट गोइंग डाउन स्टेयर्स. हमारा आपस में अग्रीमेंट ये है कि हमने ये जो वीडियो करनी है बिना हंसे करनी है, बिना एक दूसरे का मजाक उड़ाई करनी है. बिकॉज आई हैव टू बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट विद यू गाइज इफ आई हैव टू डिस्कस अबाउट सच अ नॉट सेंसिटिव बट इन अ वे सेंसिटिव टॉपिक. एंड आई वुड एनकरेज हमारे जो घरों में जो मैंने अपने फ्रेंड्स देखे हैं, या यहाँ पे भी लोग जिनके माँ बाप उनको विजिट करते हैं या उनको कभी भी मिलने के लिए आते हैं, मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली कोई भी पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज देना या प्रीच करना ज़रूरी नहीं समझता, जो मुझे बहुत गलत लगता है. मुझे लगता है पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे माँ बाप के लिए या हमारे घर वालों के लिए हम होते हैं. तो अगर हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज है तो हमें हमारे घर वालों को ये चीज़ पास करनी चाहिए. सो सबसे पहले आई एम गोना स्टार्ट, एक्सक्यूज मी फॉर माई अदर फोन, आई डोंट नो व्हाई इट्स मेकिंग साउंड्स. सो सबसे पहले आई एम गोना स्टार्ट विद द साइन ऑफ विक्ट्री. इंडिया में कभी भी कोई जीतता है तो वो यूजली साइन ऐसे करते हैं. अगर आपका पाम बाहर की तरफ है एंड यू आर डूइंग दिस साइन वी, इट्स ओके. बट इफ़ यू टर्न इट अराउंड, इन यूके और मैनी अदर कंट्रीज इट्स वेरी वेरी बैड. या सो इफ़ यू डू दिस इट्स वेरी वेरी बैड. इफ़ यू डू दिस आई थिंक इट्स ओके, बट इफ़ यू डू दिस इट्स वेरी वेरी बैड. तो अगर हाथ आपका जो पाम अपनी तरफ आ जाता है और ये हाथ का जो बाहरी हिस्सा अगर बाहर की तरफ है, इट्स वेरी वेरी बैड. इट्स अ वेरी वेरी बैड मीनिंग. सो अवॉइड डूइंग दैट. सेकेंड मोस्ट आई थिंक रिकग्नाइज, जो यंगस्टर्स को तो पता ही होगा एंड आई एम नॉट शाई ऑफ शोइंग यू दिस, दिस साइन इज वेरी बैड एज वेल. एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज हु डजंट नो अबाउट इट, यू शुड गूगल एंड चेक. दिस इज अ वेरी बैड साइन. सो ये साइन मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, सॉरी टू से, बट मैंने हमारे हिंदू घरों में ये देखा है कि हमारे हिंदू घरों में जब हम कोई भी काम घर में करते हैं, शुभ काम, तो वो ये वाली फिंगर जो होती है उसको टच करना अवॉइड करते हैं किसी चीज़ को भी. तो उनकी एक तरह से हैबिट बन जाती है कि वो कोई चीज़ को भी कभी पॉइंट करते हैं, जैसे उन्होंने अपने बच्चों को कुछ दिखाना हो, बेटा वो देखो कौआ बैठा है, तो वो ये उंगली क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो वो हमेशा ऐसे कर रहे होते हैं, बेटा वो देखो क्या सामने, बेटा वो देखो सामने क्या है, बेटा वो देखो एयरक्राफ्ट जा रहा है. तो मैंने ये जो उंगली है हमारे माँ बाप दादियों नानियों को यूज करते देखा है वेरी कॉमनली. और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने जब ये होते हुए देखा तो देन आई आइडेंटिफाइड एंड आई सेड यू नो व्हाट, कि ये मिडिल फिंगर किसी को दिखाना किसी भी वे में इट्स वेरी वेरी बैड थिंग. सो प्लीज डोंट डू दैट. तो एटलीस्ट आई बेसिकली टोल्ड माई पेरेंट्स नॉट टू डू दैट बिकॉज दे डिडंट नो. बट अदर्स पेरेंट्स आई जस्ट हैड अ वर्ड विद, कपल ऑफ डेज बैक आई वेंट टू मीट समबडी एंड मेरी एक डिस्कशन चल रही थी इन आंटी जी के साथ. उन्होंने भी मुझे यही कहा, बेटा हमें तो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया. उनका बेटा भी किसी बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, बट दे सेड वी नेवर हैड अ डिस्कशन अबाउट सच अ थिंग. तो आई वॉज लाइक शॉक्ड. ये सब चीज़ें तो हमें शायद अपने घरों में पहले प्रीच करनी चाहिए, बाहर किसी को प्रीच करने से पहले. तो अभी तक मैंने आपको दो चीज़ों के मतलब तो बता दिए, एक विक्ट्री साइन का बता दिया और एक मैंने आपको मिडिल फिंगर का बता दिया.
इंडिया में एक और साइन है, बहुत कॉमन हम यूज करते हैं उसको, दिस साइन। इंडिया में अगर कोई आदमी ये कहता हुआ आपको मिलता है तो उसका मतलब है दे वॉन्ट टू गो एंड यूज अ टॉयलेट, राइट। लेकिन ये साइन का दुनिया में मतलब बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए ये साइन भी अगर आप इंडिया से बाहर कहीं पे भी, या अभी भी पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड इन इंडिया ऑल्सो, वहाँ पे भी अगर कोई इंटरनेशनल सोसाइटी में या हाई प्रोफाइल सोसाइटी में आप हो तो अवॉइड यूजिंग दैट साइन। हैंड साइंस नो नीड टू यूज़, बेसिकली ओपन पाम आपको यूज़ करने चाहिए कभी भी, ये है वो है ऐसे है वैसे है, सो कीप योर हैंड स्ट्रेट लाइक दैट। या सो दैट वॉज अ थर्ड वन आई गेव यू। द फोर्थ वन इज, ये भी बहुत कॉमन है हमारे देश में, थम्स अप। दिस मीन्स वेल डन, गुड जॉब, राइट। अगर आप इराक ईरान की तरफ जाएं, इसका मतलब बहुत गलत है, दे विल जस्ट कट योर थ्रोट इफ दे विल सी यू डूइंग दैट। या सो अवॉइड डूइंग दैट एज वेल, बिकॉज दिस मीन्स इन मैनी कंट्रीज इन अ वेरी बैड वे। या सो अवॉइड यूजिंग दैट एज वेल इफ यू आर ट्रेवलिंग अब्रॉड, गोइंग एनीवेयर, स्टॉप यूजिंग दिस, डोंट से वेल डन, no need, this has a very different meaning in different countries, so don't use this sign as well. Abhi kaun sa sign bachta hai? We say this means good or beautiful, right? But in some countries this means also very bad. Yeah, so doing this when you are out of country is bad as well. To aap abhi mujhe bolenge ki koi aisa sign hoga ma'am jo theek hoga. What I would again say, make your judgment where you are standing, with whom you are standing, but I would say avoid hand gestures as much as you can. Yeah, so that one also I said don't do this, this is not good. What else? I know I told you sign V, I told you the middle finger, showed you this one, showed you this, and there is few others as well. I would say you should go and Google it, hand gestures, गुड और बैड हैंड जेस्चर्स। सो उसमें आप हैरान हो जाएंगे देख के, बिलीव मी, कि जो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और जो स्पेशली मैंने हमारी सोसाइटी के बारे में पिक किए थे वो मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ थोड़े से आई थिंक शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी, आई थिंक नथिंग रिमेन्स, एंड या दैट्स इट। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल एंड इट विल ऑलवेज बी, बिकॉज हम भी एज एन कंट्री जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे एंड 80% से ज़्यादा हम कंट्री को पुअर करके गए हैं वो लोग, सो हम तब से संभल ही रहे हैं, तो हम एक दूसरे से सीख ही रहे हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ कंट्री मैन और अ कंट्री वुमेन कि हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाएं, अपने लोगों को प्रीच करें, अपने लोगों को एजुकेट करें, हमारे माँ बाप को एजुकेट करें, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं पता है। तो चलिए ये थी हैंड साइन की बात, तो अब आप मुझे पूछोगे तो बात कैसे करनी है। ओपन हैंड्स, आप, मैं, ये वो बात थी, ये बात थी। सो ऑलवेज कीप योर हैंड्स टुगेदर लाइक दिस व्हेन यू टॉक। ओपन हैंड से बात करना इट्स वेरी नाइस, बट पॉइंट आउट करना, you listen to me, I stop using fingers, you know. So use your open hands, open palm gesture hum isko bolte hain, talk with your hands but not with fingers. Yeah, so I hope this video is gonna help you and the fellow people who is gonna follow the video. Yeah, and please don't forget to subscribe if you haven't done so. So take care, bye.